दोस्तों, फाइनल ईयर के छात्रों की आवाज़ अब हर दिन के साथ बुलंद होती चली जा रही है। इसका सबसे पहला उदाहरण आया है पंजाब की तरफ से, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे आए हैं छात्रों की तरफ से और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने छात्रों की बात रखने का फैसला किया है। यहाँ पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल है और ये एक ही न्यूज़ चैनल नहीं, आप बहुत सारे इस वक्त पिछले आधे घंटे की ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। लगभग सभी चैनल्स की तरफ से और सभी न्यूज़पेपर की तरफ से ये आर्टिकल्स आ चुका है। कैप्टन टू सीक कैंसिलेशन ऑफ फाइनल टर्म यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स, ये अभी की, बिल्कुल जस्ट अभी की इंफॉर्मेशन है और ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पंजाब की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे छात्रों की तरफ से। यूजीसी के फैसले के खिलाफ फाइनल ईयर के छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे और पंजाब पहले भी इस बात को क्लियर कर चुका था कि वो इस मुद्दे पर छात्रों के साथ है और एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराने के लिए जब से यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं वहाँ पर छात्र रोड पर उतर आए थे। और इस मसले पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छात्रों को आश्वासन दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने फ़िलहाल फ़ोन पर भी बात की है और अभी चिट्ठी भी वो प्रधानमंत्री को ऑफिशियली लिखेंगे इस मसले पर। और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है कि वो एक बार इस डिसीजन को रिव्यू ज़रूर करें, ये जो यूजीसी की तरफ से फैसला आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसी ने सभी उन राज्यों को हिदायत दी थी जिन राज्यों ने एग्ज़ाम्स अपने स्तर पर कैंसिल कर दिए थे। यूजीसी का कहना था कि सभी राज्यों को एग्ज़ाम्स कराने होंगे फाइनल ईयर के, वो इस डिसीजन से बदल नहीं सकते, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो डिसीजन को, यूजीसी के डिसीजन को ना माने। और अब इसी बात को लेकर के राज्यों के और यूजीसी के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब इसमें सबसे पहला उदाहरण पंजाब की तरफ से इस वक्त आप देख सकते हैं। अब आने वाली वक्त में आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा कि फाइनली होगा क्या, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब इतना बड़ा बन चुका है कि प्रधानमंत्री को इसमें दखल देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि छात्रों के हित में ही होगा जो भी कुछ फैसला होगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, जैसी कोई आगे अपडेट नहीं आती है तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेकर के आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।